हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने आज के वीडियो के थंबनेल पे देखा है कि आज मैं आपको 3 बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग ऐप बताने वाला हूँ। जी हाँ फ्रेंड्स, आज मैं आपको 3 बेस्ट फ़ोटो एडिटिंग ऐप बताने वाला हूँ जिससे आप अपने फ़ोटो को एडिट करके अपने फ़ोटो का क्वालिटी को चेंज कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए, तो हमारा सबसे पहला ऐप है स्नैपशीट। स्नैपशीट मैंने पिछली भी वीडियो में स्नैपशीट ऐप के बारे में बताया है और मैं इस वीडियो में भी उस ऐप का जिक्र कर देता हूँ। ये मेरी पहली फ़ोटो एडिटिंग ऐप है। बता देता हूँ इस ऐप के बारे में, आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। तो चलिए इस ऐप को बता देता हूँ कैसे कैसे यूज़ करते हैं और क्या क्या टूल्स हैं इसमें। तो पहले अपन किसी फ़ोटो को चूज़ कर लें, तो हम अपना फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं। ये मैंने अपना फ़ोटो चूज़ कर लिया है। अब देखिए, यहाँ पे स्टाइल का ऑप्शन में दिया हुआ है, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें। बहुत इस ऑप्शन में इफ़ेक्ट को चेंज करने का दिया हुआ है। इसमें बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, जैसे मैं पोर्ट्रेट कर सकते हैं, अपने फ़ोटो को स्मूथ कर सकते हैं, पॉप कर सकते हैं, एडवेंचरस कर सकते हैं, फेड लुक देख सकते हैं, ग्लो मॉर्निंग लुक दे सकते हैं, ब्राइटनेस कर सकते हैं, फाइन आर्ट ऑप्शन दिया हुआ है और इसमें बहुत सारे कुछ टूल्स भी दिए हुए हैं, देख लेते हैं। जैसे मैं दिया हुआ ट्विन इमेज डिटेल, जिस ट्विन इमेज को आप यूज़ करके अपने फ़ोटो का ब्राइटनेस, कंट्रास्ट, सेचुरेशन, एब्सेंस, हाईलाइट, शेडो, बहुत सारे ऑप्शन हैं इसमें, आप अच्छा एडिट कर सकते हैं इसे यूज़ करके। और दूसरा ऑप्शन है डिटेल, कट्स, वाइट बैलेंस, क्रॉप, रोटेट, ये एक्सपेंड कर सकते हैं फ़ोटो को। सेलेक्टिव ये ऑप्शन है जिसे आप अपने फेस को गोरा कर सकते हैं। जैसे ये मेरा थोड़ा डल फेस लग रहा है, इसे मैं सेलेक्ट करके और जिस फेस को जितने दूर से वाइट करना है अपने फेस को उतना आप उसे चूज़ कर लें, सेंटर में ले लें और उसे ब्राइटनेस बढ़ाकर, सेचुरेशन, स्ट्रक्चर बढ़ा घटाकर आप इसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत सारा ऑप्शन है, आप बहुत सारे ऑप्शन को यूज़ करके अलग अलग लुक दे सकते हैं। विंटेज का ऑप्शन दिया हुआ है, टूल कंट्रास्ट, विंड, डबल एक्सपोजर, लेंस ब्लर, ब्लर भी अपने फ़ोटो में दे सकते हैं। फ्रेंड्स, अब हम अपने सेकेंड ऐप को देख लेते हैं, वो कौन सा ऐप है। वो सेकेंड ऐप लाइट रूम ऐप है। ये भी आप गूगल प्ले स्टोर पर इजीली अवेलेबल है, आप इसे प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज इसमें बता देता हूँ कौन कौन से ऑप्शन हैं और क्या आप इसमें एडिट कर सकते हैं। जैसे मैंने अपना फ़ोटो चूज़ कर लिया है, चूज़ करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इसमें आप भी बहुत सारे टूल दिए हुए हैं। बेसिकली इस ऐप को आप लाइटनेस अपने फ़ोटो में देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, अलग अलग इफेक्ट देने के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ऑटो का ये ऑप्शन है, आप क्लिक करके अपने फ़ोटो पर लाइट और कलर को एडजस्ट कर सकते हैं इजीली। और उसके बाद फिर इसमें कलर का ऑप्शन दिया हुआ है, जिसमें आप मिक्स ऑप्शन पर जाकर और जिस कलर का भी आप बढ़ाना चाहते हैं। जैसे ये मेरे स्वेटर का कलर है रेड, मैं रेड को बढ़ाना चाहता हूँ, इसलिए अपन थोड़ा सैचुरेशन बढ़ाएंगे तो ये रेड थोड़ा और डार्क होते जाएगा। थोड़ा सा अगर इसको चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसे इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, ये सेकंड ऐप कलर इफेक्ट को डालने के लिए है। तो नेक्स्ट ऐप की तरफ चलते हैं। तो ये फ्रेंड्स, अब आप हम अपने थर्ड ऐप के तरफ चलते हैं। वो थर्ड ऐप है पिक्सआर्ट। पिक्सआर्ट आपने नाम सुना होगा, ये पिक्सआर्ट ऐप है। खोलने के बाद कुछ ये ऐसा इंटरफेस शो करता है, आप अपने फ़ोटो को एडिट करने के लिए इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे मैं आप ग्रिड कर सकते हैं फ़ोटो को, फ्री स्टाइल दे सकते हैं अलग अलग फ्रेम टाइप का, और इसमें फ्रेम का भी ऑप्शन है, कॉलेज फ़ोटो एडिट का भी ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आप नॉर्मल एडिट भी करना चाहते हैं तो इसमें एडिट का भी ऑप्शन है, आप अपने फ़ोटो को चूज़ कर लें। मैं किसी फ़ोटो को चूज़ कर ले रहा हूँ, जैसे मैंने इस फ़ोटो को चूज़ कर लिया। ये देखिए, इसमें टूल्स का ऑप्शन में देखिए बहुत सारा दिया हुआ ऑप्शन, क्रॉप करने का है, फ्री क्रॉप करके आप जिस भी एरिया को चाहते हैं आप उसे क्रॉप कर सकते हैं। और भी इसमें बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें इफेक्ट डालने का दिया हुआ है, आप अलग अलग इफेक्ट डाल सकते हैं। इसमें ब्यूटी ऑप्शन दिया हुआ है, स्टिकर है, कर्ट का ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें ब्लर भी दिया हुआ है इफेक्ट में। और ये देखिए, ये ब्यूटी का ऑप्शन है, इसमें स्टिकर भी आप यूज़ लगा सकते हैं, इसमें कट कर सकते हैं, कट करके इसे यूज़ करके आप PNG बना सकते हैं। ऐसे में जिस एरिया को आप कट करना है उसे आप राउंड कर लें, जिस एरिया को भी करना है आप उसे
चूज कर ले, ये फिर ये हो गया। उसके बाद आप इधर जाए, ये कुछ ऐसा दिखेगा कट होने के बाद। और आप इस एरिया को चाहते हैं अच्छे से, जो जो आप नहीं रखना चाहते इसे भी आप इरेज कर सकते हैं ऑप्शन यूज करके। ऐसे मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ये कैसा मस्त एडिटिंग ऐप है। तो आप इसे अगर यूज़ करना चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से इसे डाउनलोड कर लें। और भी अगर किसी भी ऐप के बारे में पार्टिकुलर जानना चाहते हैं और डिटेल में, तो मुझे कमेंट में बता दें।